ज्यादा अधिकारियों ने छापा मारा है। जिला प्रशासन की अधिकारियों के द्वारा 450 दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। तो एसडीएम, एडीएम और इधर एसीएम तहसीलदारों ने छापा मारा है। रात 8 बजे के बाद बोगस ग्राहक बनकर पहुंचे थे दुकानों पर। दुकान बंद मिली लेकिन शटर के नीचे से यहां पर शराब बेची जा रही थी। तय कीमत से ज्यादा वसूली भी की जा रही थी लेकिन अधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्र में दुकानों को किया चेक और कलेक्टर जगरूप सिंह यादव के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि किस तरीके से अधिकारियों ने खुद बोगस ग्राहक बनकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया है। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि प्रदेश में बेशक सरकार ने इस तरीके का प्रावधान किया हो कि रात 8 बजे के बाद आपको शराब नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं बैकडोर से शराब बिक रही थी, इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। दीपक हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? वाकई में बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि पहले से शिकायतें मिल रही थी लेकिन यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ा गया। देखिए, पहले कह सकते हैं कि वित्त विभाग ने एक टीम बनाई जिसमें आपका विभाग को अलग रखा और लगातार प्रदेश में इस तरह की छापेमार कार्रवाई की गई। ये जिला स्तर पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर जगरूप सिंह यादव का जन्मदिन है और उस अवसर पर जयपुर के अंदर 450 दुकानों पर 100 अधिकारियों ने एक साथ छापा मारा है, जहां पर पूरे जिले में जयपुर के अंदर जितनी तहसीलें हैं उनमें जितनी सरकारी 450 दुकानें हैं अंग्रेजी और देशी शराब की, वहां छापेमार कार्रवाई की है। अफसरों ने खुद सेटर के नीचे से शराब की ओवर रेट पर। दीपक, अब सवाल ये है कि अफसर छापेमारी करने आते हैं और ये पूरा कारोबार चलता है, क्या पुलिस की कार्यशैली मिली भगत की बू नहीं आ रही? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी होती है वो आबकारी के जो सतर्क सर्विलेंस टीम होती है उसकी होती है। इसके अलावा पुलिस की जो जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 8 बजे बाद पूरी तरीके से शराब को पाबंदी है, दुकानों पर शराब बिल्कुल सेटल डाउन हो जानी चाहिए, लेकिन पिछले दिनों और इन दिनों यानी कि आज पूरी तस्वीर ये साफ हो पाई है। जो तस्वीरों में वो अफसर है वो खुद करीब 8:30 बजे यानी कि 8:36 पर जब दुकानों पर पहुंचे तो शटर ऊपर था कई दुकानों का, उन्होंने शराब खरीदी बाकायदा ओवर रेट पे शराब की यहाँ पर खरीद की। इसके अलावा कई दुकानें सांगनेर इलाके में, शास्त्री नगर इलाके में, कई शहर ऐसे। बिल्कुल सही दीपक, आपने कहा, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े अधिकारियों ने एक साथ छापेमारी की और बताया जा रहा है कि 450 दुकानों पर एक साथ छापेमारी और कई जगहों पर शटर के नीचे से शराब समय खत्म होने के बाद भी बेची जा रही थी।